दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई कविता, और उस कविता का शीर्षक है खिलौने वाला, और वह ली गई है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा पाठ 3 से। तो जल्दी से खोलिए अपनी पुस्तक और निकालिए पृष्ठ संख्या 20, जहां पर है रिमझिम कक्षा 5 की कविता खिलौने वाला। तो देखिए, ये रहा हुआ खिलौने वाला, और कितनी सारी चीजें हैं इसके पास। यहाँ एक गाड़ी है, यहाँ सांप, धनुष, कुछ सीटियां भी नजर आ रही है, और एक तलवार भी। देखो देखो, रेलगाड़ी और गुड़िया कितनी सुंदर लग रही है, और ये छोटी सी गुल्लक तो बड़ी ही प्यारी है। ये गुल्लक है कि एक छोटा घर, आप बताइए मुझे। तो यह रहा है खिलौने वाला, और इसी खिलौने वाले पर है यह कविता। तो चलिए पढ़ते हैं कविता खिलौने वाला। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली, सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। तो क्या बोल रहे हैं कि यह है हमारे खिलौने वाले जी, और इनके पास बहुत सारे सुंदर सुंदर खिलौने हैं। तो कौन से खिलौने हैं इनके पास, जरा देखें तो हम भी। उसके पास है हरा हरा तोता। क्या है तोता? देखिए यहाँ पे आपको एक तोता नजर आएगा, हरा हरा है तोता। गेंद एक पैसे वाली है, छोटी सी क्या है मोटर गाड़ी, क्या है मोटर गाड़ी, ये रही मोटर गाड़ी, और जो कि कैसे चलती है, सर 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 चलती है, कैसे सर 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 सर। और फिर क्या है, सीटी भी है कई तरह की, ये रही सीटी जो कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से क्या चलती है भग 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 करके, क्या चलती है रेल, ये वाली रेल। फिर क्या बोला, गुड़िया भी है बहुत भली सी, एक बहुत प्यारी सी गुड़िया है उनके पास, ये रही। और फिर क्या, एक छोटा सा टी सेट है, टी सेट क्या होता है, जिसपे जो हमारे घरों में होता है ना, जिसमें हम चाय पीते हैं, लेकिन वह बच्चों वाला, जिससे बच्चे खेल सके, वो टी सेट है उनके पास। और छोटे छोटे लोटा थाली क्या है, टी सेट और लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण है, और क्या है छोटी सी तलवार। और क्या बोल रहे हैं खिलौने वाले भैया, ये खिलौने वाले भैया तेज तेज चिल्ला रहे हैं और बोल रहे हैं खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, जोर जोर से वह ऐसा पुकार रहे हैं। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेनी को साड़ी, कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार, तुम सोचोगी मैं ले लूंगा। तो क्या बोल रहे हैं कि मुन्नू ने क्या ले ली, मुन्नू ने गुड़िया ले ली, मोहन ने मोटर गाड़ी ले ली, और सरला क्या कहती है कि माँ से अपनी कि मुझे साड़ी लेने दो। लेकिन अब कि कवि बोल रहे हैं कि जो खिलौने वाला है वह तो साड़ी नहीं लाता ना, साड़ी तो कपड़े वाला लाता है और कभी कभी दे जाता है। अब कवि बोल रहे हैं कि अम्मा तुमने मुझे लाकर दे तो दिए पैसे 4, 4 पैसे तुमने लाके मुझे दे दिए, बट अब ये तो बताओ, पर अब ये तो बताओ कि मैं लूं क्या, तुम भी सोचो, और जो तुम बोलोगी ना, जो तुम सोचोगी वो मैं ले लूंगा। तोता बिल्ली मोटर रेल पर माँ यह मैं कभी ना लूंगा, यह तो है बच्चों के खेल, जो तुम बोलोगी वह मैं ले लूंगा, लेकिन तोता बिल्ली मोटर रेल ये सब नहीं लूंगा, क्योंकि ये कैसे हैं, ये बच्चों के खेल हैं।
मैं तलवार खरीदूंगा वहां, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तब से यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको नहीं मनाऊंगा, यहीं रहूंगा कौशल्या मैं तुमको यहीं मनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ, बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहां पर आऊंगा, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। तो कवि क्या बोल रहे हैं कि मैं तो ये छोटी छोटी चीजें नहीं लूंगा, तोता बिल्ली मोटर ये सब नहीं चाहिए मुझे, तो मैं क्या खरीदूंगा, मैं तो तलवार खरीदूंगा या तीर कमान खरीदूंगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना उनका कमान, और ये एक लंबी सी तलवार दिख रही है, और वह क्या करेंगे इसे खरीद कर, किसी ताड़का को मारेंगे जंगल में जाके। तो जैसे कि आप जानते हैं ना कि राम जो थे अयोध्या के क्या थे, राजा थे, वह कहाँ चले गए थे, वन में गाके उन्होंने एक ताड़का नाम के असुर को मारा था। तो वह भी ऐसे ही राम की तरह बनना चाहते हैं। तब से यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, तो वह असुरों को मार भगाना चाहते हैं। और ऐसे ही करते करते वह कुछ दिनों में क्या बन जाएंगे, रामचंद्र बन जाएंगे। वो बोल रहे कि मैं तुम्हें कौशल्या यहीं बनाऊंगा, यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा, और अगर तुम वन जाने के लिए कह दोगे ना, जैसे कि राम के पिताजी ने कह दिया था, वैसे ही मैं हंसते हंसते चला भी जाऊंगा। फिर वो कह रहे लेकिन मैं जाके वहां क्या करूंगा, कैसे रह पाऊंगा, अगर मैं जंगल में घूमता रहूंगा फिर लौट के आऊंगा कहाँ, घर तो होगा ही नहीं, किससे पैसे लूंगा, तुम भी नहीं होगी पैसे देने के लिए, और अगर रूठ जाऊंगा तो मनाने के लिए भी कौन होगा, और फिर कौन प्यार से गोद में बैठा के कौन मनचाही चीजें देगा। तो यह था कविता, क्या नाम था इस कविता का, खिलौने वाला। कितनी प्यारी कविता थी ना, आप भी खोलिए अपनी पुस्तक कृष्णा के बीस पर और पढ़िए ये कविता खिलौने वाला। हम मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी कविता या क्रियाकलाप लेकर।